नमस्कार बंधुरा, मैं विश्वदीप मोदी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग आए हैं रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 का वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर एक ग्लास रख दिया है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। तो चलिए इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी इनिशियल में इसकी आइडल वाइब्रेशन कुछ ऐसी है, थोड़ी सी ग्लास हिलती है। और अब जैसा कि हम लोग वाइब्रेशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इसका जो वाइब्रेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आरपीएम बढ़ने के बाद भी ग्लास अपने जगह पर ही है, अपने जगह से हिल नहीं रही है। तो जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये गाड़ी की जो वाइब्रेशन है काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हैंडल्स पर भी कम वाइब्रेशन का फील हो रहा है। देखते हैं, हम लोगों ने ग्लास को सीट के ऊपर रखा है और अब हम लोग इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे इसको रेव करके। तो चलिए रेव करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ग्लास थोड़ी बहुत हिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमने रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 के सीट और फ्यूल टैंक के ऊपर पानी से भरा हुआ ग्लास रख के इसकी वाइब्रेशन टेस्ट की, जिसके रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग आए और हमें वाइब्रेशन काफ़ी कम देखने को मिली। हैंडल्स पे भी वाइब्रेशन बहुत ही कम थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें।